जस्ट नाउ आई गॉट अ पार्सल फ्रॉम AH हेलमेट्स एंड अभी वीडियो के टाइटल में आपको पता चल ही गया रहेगा कि इसके अंदर क्या है। यस दिस इज रायनॉक्स ड्राई स्टैक सैडल बैग। कल ही मैंने लिया इसे और आज मेरे को डिलीवरी मिल गया। एंड यस पैकेजिंग इज वेरी नाइस और डिलीवरी काफ़ी फास्ट था। गेट जॉब AH हेलमेट। एंड अब इसे देखते ये बिल है। सो दिस इज द टू कहाँ से पकड़ना। हाँ सो दिस इज़ द सैडल बैग। अब ये जाएगा मेरे नेक्स्ट राइड के लिए बिकॉज मेरा नेक्स्ट राइड भी संडे से स्टार्ट होने वाला है। संडे से स्टार्ट मतलब क्या, सिर्फ 2 ही दिन का राइड है बट स्टिल इट इज़ वेरी हैंडी। इसके पहले मैं ये बैग यूज़ करता था। ये एक मतलब पीछे से ये मेरे बैग बैक सीट में अच्छे से माउंट हो जाता था और ऐसे बैक रेस्ट का भी काम करता था। बट हम्पी में मैं यही लेके गया था बट थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था उसमें क्योंकि मेरा बंजी कॉर्ड टूट गया था और इसमें भी ज़्यादा सामान नहीं जाता। इसमें हार्डली कुछ 30-35 लीटर्स का ही कैपेसिटी है बट इट इज़ ऑल्सो अ गुड बैग। मैं मोस्टली इसे कंसिडर करता हूँ बट कैसे कि अभी राइड्स तो होते ही रहेंगे सो इट्स बेटर कि जस्ट गो फॉर दिस काइंड ऑफ सेटअप। सो सैडल बैग आ गया है, टैंक बैग भी है एंड यस बस सैडल सेट का भी जुगाड़ है, वो कर दूंगा। सो इसके अंदर क्या देखते हैं। सो थैंक्स आई गॉट लिटिल बिट हेल्प, एक हाथ से हो रहा नहीं था। सो दिस इज़ द रेन क्लाइनर, एक बाहर का कवर है एंड देखो एंड इट हैज़ अ 30 लीटर ऑफ कैपेसिटी। दोनों का सेम कैपेसिटी है एंड यू कैन रिमूव दिस लाइनर ऑल्सो। दिस इज़ अ वाटर प्रूफ लाइनर, मतलब बिना इस लाइजर के भी आप यूज़ कर सकते हैं बट मैं तो इसे साथ ही यूज़ करूँगा। एंड दिस इज़ फॉर वाटर बॉटल रखने के लिए। पीछे टेक्सचर दिया है एंड नीचे भी थोड़ा सा टेक्सचर दिया है। रेडियम प्लेट 3M के एंड यहाँ भी एक ऐसा पाउच है। अभी ये इसके शायद से ये पीछे पीछे का साइड है क्योंकि इसमें रेडियम टेप है एंड यस प्रिटी इट इज़ नाइस। अच्छा ओके इसके अंदर ही लगा हुआ। दिस इज़ द स्ट्रैप। अब इसे माउंटिंग कैसा करना है मैं आपको राइड में बताऊंगा क्योंकि अभी डायरेक्ट इसमें सामान वगैरह डाल के राइड में रखना हूँ। तब तक के लिए वहाँ मिलते हैं। तो आपने देख लिया अनबॉक्सिंग, तो अब मैं आपको दिखाऊंगा कि सैडल बैग को मैंने अपने बाइक पर कैसे माउंट किया है। अगर आप देखोगे तो राइट साइड लेफ्ट साइड में ऐसा कुछ इसका कुछ इशू नहीं है बिकॉज ऑलरेडी साड़ी गार्ड है तो ये टायर को टच होने से ये सैडल बैग को बचाता है। तो इशू होता है राइट साइड में कोई साड़ी गार्ड नहीं है। सो उसके लिए मैंने इसे इसके लिए मैंने बंजी कॉर्ड ऐसा लगाया है जिससे ये इससे कुशनिंग इफेक्ट मिलेगा, इससे सैडल बैग टायर्स पे टच नहीं होगा। तो अगर आप आगे देखोगे तो इसे मैंने बंजी कॉर्ड में ऐसा फंसाया है। ये एक टेम्प्रेरी जुगाड़ है, इसे आप एक या दो राइड कर सकते हैं। सो इट इज़ बेटर कि आपको सैडल स्टे लगा के लेना ही है अगर आपको अपने बैग बचाना है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड तुमसे तुम्हें बगुन गया।